जरा एक बार दर्शकों को लेकर चलते हैं हम डेटा सेंटर। अखिलेश तैयार है सर, कुछ और आंकड़े, कुछ और नंबर्स, कुछ और सीटों का हाल जानते हैं, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। चलिए अखिलेश के पास। देखिए जफर इस्लाम साहब बहुत आशान्वित हैं, टक्कर वाली सीटें सारी अपने खाते में डाल रहे हैं, प्रवक्ता है, ऐसा होना भी चाहिए, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है। चलिए कुछ और सीटों की हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जिलों का हमने आपसे सिलेक्ट किया है और विधानसभा की सीटें बताई। अब महेंद्रगढ़ अगर चल रहे हैं तो देखिए महेंद्रगढ़ में दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अटेली है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और नांगल चौधरी, ये विधानसभा की चार सीटें हैं। इनमें दो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और दो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो ये महेंद्रगढ़ जिले की हमने बात की। इसके बाद आपको रेवाड़ी लिए चलते हैं। रेवाड़ी में जो बावल है वो एससी सीट है, इसके अलावा कोसली है और रेवाड़ी, यानी तीन यहां पर विधानसभा की सीटें। यहां आप देखेंगे कि दो सीटें तो कांग्रेस के खाते में जा रही है जबकि एक पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये हरियाणा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये आकलन जिसके आधार पर हमने ये डेटा आपको दिखाया। रोमाना, तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने आ गया है और ये कहीं ना कहीं अब दक्षिण हरियाणा की तरफ जो आंकड़ा बढ़ रहा है, सीटों का जो पूरा लेखा जोखा आ रहा है उसके बाद तस्वीर जो उभर रही है, 61 सीटें अभी तक हो गई हैं, 61 सीटों के बाद बीजेपी 9, लेकिन कांग्रेस देखिए किस तरीके से क्लियर कट 32 सीटें स्थानीय पत्रकार 61 में से कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और वो टक्कर वाली 17 सीटें लगातार वो जो ब्लिंक होते हुए आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो लगातार इन 17 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि साहब वो 17 टक्कर मतलब वो बीजेपी की सीटें हैं जो पत्रकार जो है किसी वजह से बीजेपी को क्लियर कट नहीं दे रहे हैं। यही पूरा गुड़ा भाग अभी तक बीजेपी की तरफ से तो रखा जा रहा है। हर्षवर्धन जी, एक तो ये कि मैं बार बार हरियाणा के संदर्भ में कह रहा हूँ, भाजपा 90 सीटों पर लड़ती भले है लेकिन 14-19 में जब उन्होंने सरकार अपनी बना ली है जुड़ के जेजेपी से बनाई तब भी वो कुल जमा 55-60 सीटों पर ही ठीक से लड़ते हैं। इसको जरा समझिए, सब सीटों पर उनकी उतनी ताकत कभी नहीं रही, ये सरकार उसी में से बनाते हैं। और जब जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं तो शायद इसीलिए लग रहा है कि वो सारी सीटें कह रहे हैं, वो अपनी जीती वाली सीटों को कह रहे हैं कि हम फिर से जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास ये गुंजाइश कम है। ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरी सीटें जो कांग्रेस जीतती थी उसको ले पाएंगे, नंबर एक। दूसरा, एक तो देखिए ये होता है, ये चाहे पत्रकार हो चाहे एग्जिट पोल करने वाले हो, जहां माहौल बनता दिखता है और चूंकि लोकसभा चुनाव में सब बड़ा झटका खाए हैं तो क्या करते हैं, अच्छा चलो थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा तो घटा लेते हैं। तो एक ये परसेप्शन का मसला होता है लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव के जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस को वहां एज दिख रहा है। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है, अगर जो समीकरण दिख रहा था, अगर दलित जाट ये सब मिलके एक साथ वोट कर रहा है तो फिर तो 70-80 सीटें कांग्रेस की जानी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मुकाबला फिर कट टू कट होगा, 10 सीटें डिसाइड करेंगे और मुझे लगता है कमोबेश 55 से 65 तक तो दिखाई रहते हैं एग्जिट पोल, मतलब दलित और अगर जाट वोट करेगा तो 55 से 65 तक का मामला, फिर कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं दोनों मिलकर कर रहे हैं लेकिन क्या ऐसा होता होगा। और एक बात मैं और बोल दूं, राम रहीम जैसा व्यक्ति बाहर आकर भाजपा को वोट दिला पाता है ये मुझे हमेशा परेशान करता है। पता नहीं भाजपा के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो इतना दिलाने की ताकत होती तो सिरसा तो जितवा लेता ना, अशोक तवर हार गए थे वहां, तो मुझे दिला पाता है या नहीं ये तो नहीं पता सर, लेकिन ये जरूर हकीकत है कि जब चुनाव होता है पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक, उसको पैरोल जरूर, लेकिन जिता नहीं पाता, इतना जरूर होता है सर। अब वो वोट दिला पाता है या नहीं ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ उसको 21, 22, 23, 24 हम देखते हैं कैसे पैरोल जरूर मिलती जाती है चुनावी साल में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।